इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। पीएम मोदी के द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम चलाया जा रहा है। भारत को स्वच्छ करना है तो वहीं इलाहाबाद के सिविल लाइन नवाब यूसुफ रोड पर कूड़ों का ढेर नजर आ रहा है। साथ ही पानी, बिजली, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर वासियों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही लोगों को परेशान कर रही है। हमारे संवाददाता नीलेश साहू के साथ अंकित उपाध्याय की यह रिपोर्ट है। मैं नीलेश कुमार साहू, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद सिविल लाइन बीच बाजार की गली में कि नगर निगम की किस तरह लापरवाही देखी जा रही है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। प्रतिदिन सफाई नहीं होती, एकदम कूड़ों का अंबार लगा रहता है, नालियाँ बनी हुई हैं उसमें, वो पूरी की पूरी तरीके से जोक रहती है, जाम लगा रहता है, जिससे कि हम लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कंप्लेन की थी नगर निगम व्हाट्सएप पे, मैसेज रिप्लाई हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकान उठती है, बदबू होती है, लोग गुजरते हैं इधर, स्कूली बच्चे भी गुजरते होंगे, इसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पे कंटेनर रखे, एक बीन रखे प्रॉपरली, उसके जो है जो सर्वेंट होते हैंगे आके उसको उठाएं, उठाने के बाद जो है उसको डिस्पोज करें कहीं ले जाके। नाली जब से बनी है ये 5 साल हो गया, 5 साल में अभी एक बार भी नाली साफ नहीं हुई, और पूरा ये कम से कम 8-9 साल तो इसी तरह कंटिन्यू फवार है। जगह पड़ी तो साफ करा दिया, नहीं तो ऐसे ही फवार है।